जो मीडिया में खबरें चल रही थी कहीं ना कहीं खटास है दो सुपरस्टारों के बीच, इस बार दोनों साथ थे तो वो खत्म हुई? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। उनकी अपनी फिल्म थी, हमारी अपनी फिल्म थी, हम रुके थे एक ही जगह, हमारा दोनों भाई का होटल और रूम दोनों सामने सामने था। लिट्टी चोखा से मैं पर्सनली बहुत प्यार करता हूँ, मेरा शो चलता है लिट्टी चोखा। हाँ, आपका शो भी था लिट्टी चोखा, बाबजी है लिट्टी चोखा है, सैयारा गे लेना, दुल्हन हो जो पिया मन भावे, बाकी के मैंने तीन मूवी आपके यहाँ से करके आया लंदन से। कि हर माँ तो माँ ही होती है, लेकिन हर माँ के कोख के बच्चे, बच्चे उस माँ के कोख को बदनाम करते हैं। हम भोजपुरी के दोनों लाल हैं और दोनों बेटे हैं, दोनों पुत्र हैं, तो भोजपुरी के सम्मान के लिए जो काम होगा हम उसके लिए जरूर कैपेबल हैं कि दोनों भाई मिलकर करेंगे। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूँ खेसारी लाल और आप सब देख रहे हैं देसी भारत। और इस चैनल को इतना सब्सक्राइब करिए कि आपके घर में, आपके मोबाइल में, आपके परिवार में हर वो खबर आप तक पहुँच जाए। और आप कोशिश करेंगे तो अच्छी अच्छी खबर, भोजपुरी के हर वो स्टार की खबर, हर उस प्रोड्यूसर की, हर उस म्यूजिक डायरेक्टर की, हर उस राइटर की खबर, जो आप भोजपुरी से प्यार करते हैं, अगर प्यार नहीं भी करते हैं, अगर आप अदर लैंग्वेज से भी हैं, तो आप भोजपुरी को अगर देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, भोजपुरी को अगर आपको भोजपुरी अच्छी लगती है, तो ज़रूर सब्सक्राइब करें देसी भारत को और अपना प्यार ज़रूर दें, क्योंकि आपके आशीर्वाद के बिना हर वो चैनल हो या कलाकार हो या दुनिया की कोई भी तमाम चीज़ें आपके प्यार के बिना अधूरी है, क्योंकि आप ईश्वर हैं, हम पुजारी हैं, हम पूजते रहेंगे, बस फल देना आपका काम है। प्रणाम, नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका, हम हैं धर्म दुबे और आप देख रहे हैं देसी भारत। देखिए आखिरकार आपके फेवरेट सुपरस्टार को सामने ले आए। सर खेसारी भैया, मतलब मारा मारी हो जाती, कमेंट बॉक्स पे खेसारी भैया को लाओ, खेसारी भैया को लाओ, अब इनको कैसे बताएं भाई बंबई आएंगे तब मुलाकात होगी। बस देखिए, इनका प्यार है और इनके प्यार जिसके प्रति होता है ना वो अटूट होता है, और इनके प्यार का हमेशा मैंने सम्मान किया है। और मैं लंदन से आ चुका हूँ, आपको बता दूँ कि मेरे नए साल के भी गाने रिलीज हो रहे हैं और होंगे भी, तो आपका प्यार ही है। मैं कहीं भी रहूं बस कुशल रहता हूं, क्योंकि आपकी मोहब्बत इतनी बड़ी होती है हमारे लिए कि हमें कुछ होता ही नहीं। अच्छा, ये बताएं कि इस समय क्या चल रहा है मुंबई के, आप एक स्टूडियो में बैठे हुए हैं और किसी फिल्म की डबिंग चल रहा है आपके मुंह से ही अगर सुना जाए तो। मैं एक सिनेमा किया था मैं अभी लंदन जाने से पहले, लिट्टी चोखा, उसी का डबिंग कर रहा हूँ मैं, क्योंकि काफ़ी दो महीने से मैं लंदन में था, तो थोड़ा सा हवा और वहाँ की ठंडी और यहाँ का गर्म दोनों एडजस्ट नहीं कर पा रहा है बॉडी, पर फिर भी कोशिश कर रहा है आदमी, जो काम तो शुरू करना ही है, तो उसका डबिंग कर रहा हूँ। लिट्टी चोखा से मैं पर्सनली बहुत प्यार करता हूँ, मेरा शो चलता है लिट्टी चोखा। हाँ, आपका शो भी था लिट्टी चोखा, तो आप आएंगे ना उसमें? मेरे जीवन का तो भी सबसे बड़ा दस्तूर लिट्टी चोखा ही है, क्योंकि मैं लिट्टी चोखा बेचकर ही पब्लिक के दिल में अपना एक जगह बना पाया, तो मेरे लिए लिट्टी चोखा बहुत अहमियत रखता है। और मैं लिट्टी चोखा के हर उस मसाले से प्यार करता हूँ, और जितने भी इस लिट्टी चोखा में मसाले हैं सब मेरे प्रिय हैं। और मेरे शो से प्यार करते हैं कि नहीं आपको? अरे लिट्टी चोखा जहाँ आ गया वो मेरा अपना हो गया ना, क्योंकि मेरा ब्रांड है लिट्टी चोखा। अचानक से कैसे लिट्टी चोखा का प्लान आ गया कि आपको इस फिल्म में काम करना है? नहीं, उन्होंने मुझे बताया और कहानी सुनाई तो मुझे अच्छा लगा, तो मैं बोला कि ठीक है इसका नाम लिट्टी चोखा ही रखें। और लिट्टी चोखा आप देखेंगे सिनेमा तो समझ में आ गया कि लिट्टी चोखा क्या है। हम जानते हैं आपके पास बहुत सारी फिल्में, बहुत सारे सॉन्ग्स हैं, लेकिन अगर स्पेशली आपके फैंस ये जानना चाहें कि लिट्टी चोखा के बाद क्या क्या, तो वो कौन सी चार पांच धमाके हैं जो आप देने वाले हैं? देखिए, बाबजी है लिट्टी चोखा है, सैयारा गे लेना, दुल्हन हो जो पिया मन भावे, बाकी के मैंने तीन मूवी आपके यहाँ से करके आया लंदन से, उसके बाद मंटुआ की नानी, उसका नाम शायद चेंज हो रहा है, तो पाँच छः फिल्में हैं जो रिलीज पे भी हैं, और जिसमें से चार तीन सिनेमा मेरे रेडी हैं, और अभी पांच सिनेमा का डबिंग करना है मुझे और कुछ उसके काम बाकी। और इस बीच मैंने खेसारी भैया से बड़ा रिक्वेस्ट करके इनका 10 मिनट मांगा है। ये बताएं, लंदन आप जाकर क्या है, कैसा मज़ा आया? लंदन की एक अलग ही नगरी है भाई, कितना मिस किया भारत को? देखिए, मज़ा लंदन से नहीं, हम कितने मज़ा लेते हैं हम पे निर्भर करता है। धरती कोई बुरी नहीं होती है, बस इंसान बुरा होता है। मिट्टी हर माँ तो माँ ही होती है, लेकिन हर माँ के कोख के बच्चे, बच्चे उस माँ के कोख को बदनाम करते हैं, माँ नहीं। तो देखिए, हर वो मिट्टी हमारे लिए प्यारी है, क्योंकि हम कैसे रहते हैं इस पे निर्भर था। और मैंने इन्जॉय किया और अच्छा लगा, ठंड ज़्यादा था, उस ठंड को बर्दाश्त करना इम्पॉसिबल था, फिर भी काम है तो करना तो पड़ेगा, और मैंने किया और इन्जॉय करके किया। और अभय सिन्हा जी को थैंक्स कि कोरोना काल लगा, 21 तारीख को पूरी फ्लाइटें बंद हो गई, उसके बावजूद भी अभय भैया ने पूरी यूनिट को, 52 आदमी को, किसी का 365,000 की टिकट देकर, मैं, मेरे अपने लड़के का 365,000 का टिकट था, हमारे मेकअप दादा का 305,000 का टिकट था, मैंने बहुत सारे ऐसे लोग थे कि सबको मैंने टिकट मिल ही नहीं रहा था, और हमें आने की कोई संभावना ही नहीं थी, और कब तक के लॉकडाउन होता तो शायद हमारे लिए बुरा हो जाता,
लेकिन अभय सिन्हा जी को थैंक्स की अभय भैया ने सब पूरी टीम को लेकर आए और सबका प्यार आज उनको मिल रहा है। इतिहास भी रच दिया भैया, पवन सिंह, खेसारी लाल यादव, इतनी सुंदर सुंदर तस्वीरें वहाँ से वायरल हो रही थी, आखिर दोस्ती हो ही गई। देखिए सुंदर जब हम पब्लिक के नज़र में होते हैं ना तो हम सुंदर हो ही जाते हैं, ऐसे में खास सुंदर नहीं हूँ बट इनके दिल के प्यारा हूँ और इनके गोद में खेलने वाला एक बच्चा हूँ, तो शायद इनके मन में हमेशा मैं सुंदर ही रहूँगा। जो मीडिया में खबरें चल रही थी कहीं ना कहीं खटास है दो सुपरस्टारों के बीच, इस बार दोनों साथ थे तो वो खत्म हुई या क्या कहना चाहेंगे, आपका रिएक्शन क्या होगा? देखिए खटास हम परिवार में नहीं होता है, लोग पैदा कर देते हैं, लोगों को लगता है कि हमारे अंदर दुविधा है। वो आज भी मेरे बड़े भाई हैं, कल भी रहेंगे और आजीवन जब तक मैं जीऊँगा वो मेरे बड़े भाई ही रहेंगे, मेरे पिता तुल्य हैं वो। तो दुनिया क्या कहते हैं इससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता है, हम क्या कर रहे हैं इससे फ़र्क पड़ता है। अगर हमारे अंदर खटास होती तो शायद हम एक इंडस्ट्री में रन नहीं कर पाते। हाँ ठीक है, लोगों को प्रॉब्लम है तो ठीक है ना सर, उनका भी अपना जीने का तरीका है, उनका भी अपने बात रखने का तरीका है, सबके अपने अपने फ़ैन होते हैं, सबके अपने परिवार होती है, हम अपने घर परिवार में सबको खुश नहीं रख सकते। तो मुझे नहीं लगता ना मैं पवन भी या किसी सबको खुश रख पाएंगे और ना ही मैं खुश रख पाऊँगा। तो जो नाराज़ हैं वो भी हमारे अपने हैं, जो खुश हैं वो भी हमारे अपने। आप दोनों की अलग अलग फिल्में थी क्या, स्पेशल कैमियो के साथ कोई एक दूसरे फिल्म में आए? आप पवन सिंह की फिल्म में गए या वो आए, स्पेशल कैमियो हुआ है फिल्म में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, उनकी अपनी फिल्म थी, हमारी अपनी फिल्म थी, हम रुके थे एक ही जगह, हमारा दोनों भाई का होटल और रूम दोनों सामने सामने था, हम दोनों एक दूसरे को सुबह भी मिलते थे, शाम भी मिलते थे, साथ में जिम भी करते थे, निकलना साथ में होता था और आने में थोड़ा सा, हाँ उनका कभी पिकअप पहले हो गया तो पहले आकर वो सो गए, मेरा लेट होता था तो मैं लेट सोता था, अगर या मैं पहले आ गया तो मैं पहले सो गया, वो लेट आते थे, तो कभी कभी मिलते जुलते थे हम लोग, और लेकिन सुबह डेली मिलना होता था हम दोनों भाई। स्क्रीन शेयर भी दोनों साथ करने वाले हैं, ऐसा कुछ बात हो यार, दोनों भाई उतर ही जाते हैं फिल्म में? बिल्कुल क्यों नहीं करेंगे, हम एक ही जगह रहने वाले हैं, एक ही विधा के हैं, हम भोजपुरी के दोनों लाल हैं और दोनों बेटे हैं, दोनों पुत्र हैं, तो भोजपुरी के सम्मान के लिए जो काम होगा हम उसके लिए जरूर कैपेबल हैं कि दोनों भाई मिलकर करेंगे। वाह क्या बात है, बहुत ज़बरदस्त एक्टर हैं आप, बहुत ज़बरदस्त सिंगर हैं और बहुत बड़े वाले वक्ता भी हैं। खेसारी लाल साहब बहुत तमाम बातें हुई, इनसे कोई आपको सवाल पूछना है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, पूरा वादा करते हैं कि जवाब आप तक पहुँचा देंगे, देंगे नज़र अपने फैंस के। बिल्कुल बने रहे हमारे साथ, नमस्कार, थैंक यू।